हर दिन देखा जाता है कि कितने ही हादसे इंडिया में तो क्या वर्ल्ड वाइड हो रहे हैं। कभी किसी की बेटी के साथ, कभी किसी की माँ, तो कभी किसी की बहन के साथ कोई ना कोई हादसा होता ही रहता है। और यही नहीं, बहुत से बच्चे आज भी स्लेव बने घूम रहे हैं। कुछ ऐसे ही इंसिडेंट्स को देखते हुए इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फिल्म मेकर रॉबर्ट बिल हेमर ने इंडिपेंडेंट डॉक्यूमेंट्री फिल्म नॉट माई लाइफ बनाई, जिसमें उन्होंने काफी ट्रैफिकिंग इंसिडेंट्स को हाईलाइट किया और साथ ही लोग ट्रैफिकिंग से किस तरह से अवेयर रह सकते हैं यह भी दिखाया है। माई लाइफ इज अ फिल्म अबाउट ह्यूमन ट्रैफिकिंग, अबाउट स्लेव ट्रेड दैट्स हैपनिंग इन आवर कंट्रीज इन मॉडर्न डे इंडिया। द फिल्म इज रीचिंग आउट टू पीपल, आस्किंग देम टू वेक अप, बी ऑन द अलर्ट। इट्स ऑल्सो फॉर दोज एरियाज वेयर स्लेविंग एंड ट्रैफिकिंग टेक्स प्लेस। The target areas are the people who will be trafficked in the future. And if they are aware that when they are offered a job or lured by the traffickers, they become alert and ask a question, where are you taking me? Who are you? Many of our people in the rural areas and communities get trafficked because they offered lucrative job offers and things like that. But question. That's why the film is in Hindi. Question them and ask them, where are you taking me? ह्यूमन ट्रैफिकिंग सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड होती है। पूरे वर्ल्ड में बड़ों को तो क्या छोटे छोटे बच्चों तक नहीं बख्शा जाता। द फिल्म इज ऑल्सो अबाउट ट्रैफिकिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। इट्स नॉट ओनली हैपनिंग इन इंडिया, देयर आर ओवर 13 मिलियन पीपल इन इंडिया दैट हैव बीन ट्रैफिक्ड फॉर सेक्स, ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन, फॉर लेबर, इवन बीइंग सोल्ड ऑफ एज माइनर्स, बॉन्डेड लेबर्स ओवरसीज। Our children, as small as 4 years, are being trafficked, and this is a serious concern, and we need to look at it and stop it. इस डॉक्यूमेंट्री में सिर्फ ट्रैफिकिंग ही नहीं दिखाई गई है, बल्कि यह भी बताया गया है कि हम किस तरह से इससे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। Cannot bring about changes. People, we all citizens need to help the government, and the way to do it is to be alert, watch out, and report if you see something unusual happening. Not My Life डॉक्यूमेंट्री फिल्म तो लोगों को काफी अवेयर कर रही है। इस तरह की डॉक्यूमेंट्री को देखकर तो हम यही कह सकते हैं, ऐसी डॉक्यूमेंट्री बनाकर रॉबर्ट बिल हेमर ने जैसे फिल्म मेकर्स की सही मायने में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। एंटरटेनमेंट डेस्क से प्रीति सिंह के लिए विवेक शर्मा, डे एंड नाइट न्यूज। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ, कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।